और हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार सी चीज, और उसमें हम बनाने वाले हैं जना पकोड़े। और पकोड़ों में हम देखिए क्या डालने वाले हैं जी, प्याज, लहसुन अदरक, और यहाँ पे धनिया है जो कि फ्रीज था, यहाँ पे मिर्ची है, और ये मसाले सुरख मिर्ची है, ये है जी पिसा हुआ गरम मसाला, यहाँ पे हमने ले ली है जी, क्या ले लिया हमने, ये काली मिर्ची ले ली है, पिसा हुआ सूखा धनिया और नमक ले लिया है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने वाले हैं आलू। सो द मेन जो चीज़ थी जो हम ऐड करने वाले थे इसके अंदर, लहसुन अदरक, और इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं जनाब वो है जी अनारदाना। अनारदाना हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जिससे इसका टेस्ट होने जा रहा है बहुत ही आला। सो बी रेडी एंड डू वॉच कि हम अभी इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है जनाब। दूसरी तरफ बर्तन धो रही हैं बहन साहिबा, तो मैंने कहा आ जाएं और इनको मिक्स करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो ये करने वाली है जी मिक्स। हम पहले बाउल में ले लेंगे आलू, जो कि हमने देखें कितने बारीक कट कर लिए थे, इतने बारीक कट कर लिए थे, ठीक है। तो हमने ये ले लिए, और बाकी जो अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया था वो हम इसमें डालने वाले हैं। डाल दिया बीच में, डाल दिया डाल दिया डाल दिया, और ये सब चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। यस, और नमक थोड़ा डाला उन्होंने, और अजवाइन डालेंगे इसमें। अजवाइन जो है हमने ये नोटेला वाले डिब्बे में डाली हुई है, ये हमने डाल दी अजवाइन। सो ये हम डाल रहे हैं इसमें अनारदाना, जी जनाब। तो हम इसमें डाल रहे हैं बेसन, और हम इसको अब मिक्स कर लेंगे, और एंड पे हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे। हाथ से मिक्स करो भाई। Coming back. जी जनाब, और हम अच्छी तरह से जो बेसन है वो लगा लेंगे। जो मेन चीज थी वो इसमें डालना था अदरक और लहसुन का, ठीक है। और ये अदरक लहसुन से इतना अच्छा टेस्ट आता है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है बेसन थोड़ा है, थोड़ा और डालो। हाँ जी, हमने और बेसन डाल लिया इसके अंदर, और थोड़ा सा और डाल लिया, और फिर हम एंड पे जब ये बन जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर एक लेमन जो है ना उसका जूस भी डाल देंगे, जिसकी वजह से ये पकौड़ इतने मज़े के बनने वाले हैं मैं आपको बता नहीं सकती। जी जनाब, तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे कि ये बेसनो बेसन हो जाए। सो हमने नॉर्मल सा, मुझे लगता है नीचे आलू है अभी, अभी आलू है अभी जिनको बेसन नहीं। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल सा इसको रखेंगे, और अभी आफ्टर 5 मिनट्स हम इनको फिर बनाएंगे। तो आपने हमारे साथ आ जाना है और देखना है कि हम कैसे पकौड़ा बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।